क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, मजदूरों की संख्या 5 है और जो दिन है वो 20 है, तो कह रहा है कि 10 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये देखिए, ये मजदूर है, 5 मजदूर हैं, दिन है 20, ठीक है, लेकिन अब मजदूरों की संख्या बढ़ गई, 10 हो गई, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, कितने दिन में करेंगे, दिन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स रख लिया है कि कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये अगर आप रेशियो इसको बनाएंगे तो ये रेशियो जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगा। कैसे, कि 5 जो है मजदूर हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कितने मजदूर हैं, 10 मजदूर हैं। ठीक है, 5:10 मजदूरों की ये संख्या है। ठीक है, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, तो एक्स दिन है निकालना है हमको, और बाकी का जो दिन दे रखा है वो कितना है, 20 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो जाएगा। बाकी तो पता है कि किसको किससे साथ गुणा करते हैं। ठीक है, तो 5 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 20 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, और 10 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, एक्स के साथ। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, दिन बताना है, बेसिकली हमें दिन बताना है कि दिन कितने दिन में करेंगे उस काम को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 × 20 जो कि बराबर है किसके, 10 × x के। ठीक है, 10 × x के बराबर है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, दिन निकालना है। तो दिन का हमने यहाँ पे क्या रखा है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स बराबर क्या निकल के आएगा, 5 × 20 और बटे में 10। ठीक है, तो 20 का गुणा 5 बार करेंगे तो 20 × 5 = 100, 100 / कितना हो जाएगा, 10। फिर इसको भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 10 × 100, 10 दिन जो है निकल के आ जाएगा। तो यानी कि जब 10 मजदूर होंगे तो इस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 5 दर्जन केलों का मूल्य जो है 15 रुपये हो, कितने दर्जन है, 5 दर्जन, उसके बाद क्या कह रहा है, तो 25 दर्जन केलों का मूल्य आपको बताना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 5 दर्जन, ठीक है, और उसके दूसरा क्या है, 25 दर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो का निशान लगा लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे 25 दर्जन, जो किसके बराबर है, 15 रुपये, ये रुपया है। ठीक है, 15 रुपये, और निकालना क्या है हमको, हमें 25 दर्जन केलों का मूल्य निकालना है। ठीक है, 5 का दिया हुआ है, 25 का निकालना है। तो क्या करेंगे, 5:25, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 15 रुपीज़, एंड निकालना क्या है, 25 दर्जन के कितने रुपए मिलेगा ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 25 का गुणा किस में करेंगे, 15 में, और 5 का गुणा किस में होता है, x में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 5 × x बराबर है किसके, 25 × 15 के। ठीक है, तो फिर क्या निकालेंगे, x बराबर, हमें क्या निकालना है, x की ही तो वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 25 × 15 / 5। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, 25 का गुणा 15 में करेंगे तो ये आपका ये कट के आ जाएगा आपका 75 रुपीज़। ठीक है, 75 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हमें क्या निकल के आ गया, एक्स की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो है 25 दर्जन केला जो है हमें मिलेगा 75 रुपये में। ठीक है, तो ऐसे ही हमें
ये प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन है, जैसे रेशियो में निकालते वैसे प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन में हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के जो हम लोग पहले प्रीवियस क्वेश्चन किए उसी में से ये एग्जांपल्स है। ये कह रहा है कि 8:25 दिया हुआ है तो उसके प्रोपोर्शनल में 56 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होगी ये बताना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि किसका जो है कैसे गुणा करते हैं इसमें, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि 8 का गुणा जो है एक्स में होगा और 25 का गुणा किस में होगा, 56 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, 8 अपान में क्या है यहाँ पे 25, ठीक है। दूसरा क्या है, सेम प्रोपोर्शनल करेंगे, बराबर है किसके, 56 और एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो 8 का गुणा हम लोग सबसे पहले किस में करेंगे, एक्स में। तो 8 × x जो कि बराबर है किसके, 25 × 56 के, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें सबसे पहले, तो एक्स बराबर 25 × 56 बटे में क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। 8 आ गया। अब 25 का गुणा जो है 56 में करेंगे, तो 25 का गुणा 56 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 × 56 करते हैं तो ये आपका निकल के आ जाएगा 150 और ये 125, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 1400, ठीक है। अब 1400 को 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 8 से भाग देंगे तो 8 × 8, ठीक है, 8, तो ये निकल आएगा 6 0, फिर 8 × 56, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 4, फिर 0, 8×5 = 40, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 175, ठीक है, 175, ठीक है। तो 175 किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की, तो यानी कि जो बी आंसर है वो सही है, ठीक है।